सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन औजला। वेलकम टू दी औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत 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 स्वागत है यार मेरे चैनल पे। चैनल पे नया है वो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, इंस्टाग्राम पे कर लो यार फॉलो, लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का टॉपिक आपने वीडियो का देख लिया है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी लैंग्वेज आपके लिए दी बेस्ट है। जो गलती मैंने की है यार वो गलती आप मत करना। वीडियो पूरी देखना, स्किप आउट मत करना, फिर मत बोलना। अगर स्किप आउट करनी है यार वीडियो छोड़ दो, मेरा व्यू भी ख़त्म, ख़राब मत करो। ठीक है, अभी बात करते हैं टॉपिक की। तो सीधी तो कई लोग होते हैं यार मेरे जैसे जिनको हिंदी भी नहीं आती या इंग्लिश भी नहीं आती। तो मैं ट्राई करूँगा क्लियर करने का जो आपके दिमाग में चलता है कि कौन सी लैंग्वेज सही है यूट्यूब के लिए, ऐसे वैसे वैसे जो भी है ना मैं क्लियर कर दूंगा, वीडियो पूरी देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी बात करता हूँ यार, अगर आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर दिया है, अपने टॉपिक नहीं सोचा, अपना कंटेंट नहीं सोचा, कंटेंट के रिलेटेड नाम नहीं रखा, लैंग्वेज का नहीं सोचा, और जो आपने जो कंटेंट वगैरह स्टार्ट किया है या चैनल वगैरह स्टार्ट किया है उस पर आपका इंटरेस्ट वगैरह भी नहीं है, तो सीधा कहता हूँ यार बहुत पकने वाले हो, बहुत बोर होने वाले हो। ये सच बात है। लाइक 10 वीडियो कर लोगे, 15 वीडियो कर लोगे, 15 वीडियो के बाद ऐसे बैठ जाओगे और सोचोगे यार कि मैंने क्या पंगा ले लिया। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, सीधी सी बात, पहले मैं अपनी बात बताता। लाइक पहले तो यार मैं वीडियो वगैरह स्टार्ट नहीं कर रहा था, बिकॉज़ मैं सोच रहा था कि यार लोग क्या बोलेंगे, यार दोस्त क्या बोलेंगे। चलो फिर मैंने स्टार्ट भी कर दी, वीडियोज़ वगैरह स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद मेरे से एक गलती होगी लैंग्वेज की, और सभी चीज़ की मैंने स्टडी वगैरह कर ली थी कि क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन एक लैंग्वेज थी जो मैंने नहीं देखी। मैं पंजाबी वगैरह में करने लग पड़ा, पंजाबी में वीडियो वगैरह की, एक वीक हो गया, दो वीक हो गया यार, एक भी व्यू वगैरह नहीं आया। मैं देख रहा यार ऐसे कि मेरा व्यू नहीं आया। मैंने कहा चलो ठीक है, अभी मैंने स्टार्ट वगैरह किया, शायद उसकी वजह से हो सकता है ना। तो वो चीज़ तो चलो होगी। उसके बाद ऐसा हुआ कि यार मैंने क्या किया, मुझे ना एक वीक या दो वीक बाद एक भाई का मैसेज आया, मुझे एक वीक बाद या दो वीक बाद ना एक भाई का मैसेज आया, मुझे सीधा कहता कि यार आपकी वीडियोस वगैरह बहुत ज़्यादा सही हैं, लेकिन भाई मुझे पंजाबी वगैरह नहीं आती, अगर आप हिंदी या इंग्लिश में व्लॉग कर सकते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है, अपनी वीडियोस वगैरह हिंदी में या इंग्लिश में कर दो। मैंने सुन ली, मैंने कहा चलो ठीक है यार, अगर बंदा ऐसे कह रहा है तो चलो ठीक है स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने के बाद देखा कि एक वीक बाद ही ना यार मेरे व्यू वगैरह आने लग पड़े। ठीक है, उसके बाद देखा कि दो वीक बाद यार 100+ व्यू हो गया मेरी एक वीडियो पे। मुझे बहुत खुशी हुई कि यार अभी तो मुझे 2 हफ्ते भी नहीं हुए एंड 100+ व्यू हो गए, बहुत ज़्यादा सही लगा। होता ही है ना कि क्या अभी स्टार्ट किया, होता ही है यार कि अभी स्टार्ट किया तो सीधा 100+ व्यू हो गए, वो खुशी होती है ना अपनी। तो मुझे भी थी कि हाँ अभी ऐसे हो गया। तो अभी बात करते हैं कि आपको किस लैंग्वेज में जो वीडियोस वगैरह वो करनी चाहिए। सीधा बोलूँगा, घुमा के नहीं बोलता कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी चूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। हिंदी अच्छी है हिंदी में कर सकते हो, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में ही कर सकते हो। लाइक इंग्लिश दी बेस्ट है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा टोन सही है इंग्लिश में तो कर। अभी बात करते हैं यार इंग्लिश लैंग्वेज की। तो सीधी बात करूँगा यार कि इंग्लिश लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है, यूट्यूब पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, प्लस सीधी सी बात है यार सर्च आउट भी इंग्लिश में ही किया जाता है, प्लस जो आपके कीबोर्ड्स वगैरह होते हैं, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, वो इंग्लिश में ही होते हैं। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सही है, आपका टोन बहुत ज़्यादा सही है तो प्लस पॉइंट है आपका, तो इंग्लिश में स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो सीधी सी बात। उसके बाद बात करता हूँ, अगर आप इंफॉर्मेशनल वीडियोस वगैरह देना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, और इंग्लिश भी आपकी सही है आपके लिए, तो दी बेस्ट होने वाला है। आपकी वीडियो आज वायरल ना भी हुई तो यार 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में 4 हफ्ते में वो वायरल होगी। आपकी वीडियो यार कनाडा, अमेरिका, यूके, चाइना, पता नहीं कहाँ कहाँ देखी जाएगी। अगर लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, अच्छी लगती है, तो व्यू भी आएंगे, लाइक भी आएंगे, अर्निंग भी ज़्यादा होगी। हाँ, अर्निंग की बात कर लेते हैं, सीधी सी बात है सभी लोगों को पता ही होता है। ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, लेकिन यार अगर आपकी वीडियोस वगैरह जो भी चाइना, अमेरिका, कनाडा में ज़्यादा देखी जाती है तो अर्निंग सोर्स आपका ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, लोगों को अपने साथ अटैच कर लेते हो, आपके सब्सक्राइबर वगैरह जो है वो इंटरनेशनल बन जाते हैं,
दी बेस्ट होने वाला है आपके लिए। इसके बाद बात करते हैं हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सी बात है, हमारी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा सही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा सही है। अभी बात करते हैं, अगर आप अर्निंग सोर्स के लिए आए हो यूट्यूब पे तो आपके लिए तो दी बेस्ट है। लाइक ऐसा नहीं है कि हमारे जो इंडियन भाई लोग हैं वो यूके नहीं है, कैनेडा नहीं है, अमेरिका नहीं है, यूएसए नहीं है, हर एक कंट्री हमारे भाई लोग हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, वो हिंदी में ही वीडियोस वगैरह देखते हैं। अगर वो वहाँ पर वॉच करते हैं तो हमें तो यार इंटरनेशनल व्यू मिल रहे हैं, इंटरनेशनल ही पैसा मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। अगर हिंदी में करना चाहते हो, दे दना दन दे, सीधी सी वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि लोग क्या बोलेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। हिंदी नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कौन सा आती है, सीधी सी बात है। मुझे भी हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती, मैं पंजाबी ज़्यादा बोलता हूँ, जैसे भी बोलता हूँ मैं बोल देता हूँ, गलत बोलता हूँ तो ठीक है, जिसको गलत लगती है ठीक है, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो कमेंट कर देगा, मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही आप स्टार्ट कर दो, अगर इंग्लिश आती है तो दी बेस्ट है, अगर नहीं आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में ही स्टार्ट कर दो। इसके बाद हम बात कर रहे हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक पर आपकी मेन लैंग्वेज आती है, जैसे मैं पंजाबी हूँ तो मैं पंजाबी बोलता हूँ, जलंधर एरिया में रहता हूँ तो मैं पंजाबी बोलता हूँ, सीधा आप ज़्यादा पंजाबी के बच्चे गल करी थी है, बट मैंने यूट्यूब के बच्चे हिंदी की वीडियो करनी पै रही है तो आप तो मैं हिंदी में वीडियोस करता हूँ, ठीक है। हाँ अभी मैं सही बोला कि मैं हिंदी में वीडियो करता हूँ, बिकॉज अभी यार सीधी सी बात है, हर एक को पंजाबी नहीं आती, हर एक को तेलुगू नहीं आती, हर एक को मलयालम नहीं आती, ऐसे हर लोगों को पंजाबी नहीं आती, सो दैट्स वाई कि हिंदी में वीडियो करता हूँ, कि लोगों को समझ लगे, लोगों को पता लग जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद सीधी सी बात है यार, कंपैरिजन कर लेते हैं इंग्लिश एंड हिंदी का। अगर यार आप इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियोस वगैरह करते हो, सीधी सी बात है आपको अर्निंग वगैरह ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज इंडिया में तो आपकी वीडियोस देखेंगे ही देखेंगे लोग, इंटरनेशनल जो भी यूके में अमेरिका वगैरह रहते हैं वो भी आपकी वीडियोस वगैरह देखेंगे। अभी बात करते हैं यार हिंदी लैंग्वेज की। अगर आप हिंदी में ब्लॉग वगैरह या वीडियोस वगैरह करते हो तो आपके लिए दी बेस्ट है। चलो आपके पास अर्निंग वगैरह इतनी नहीं होने वाली जितनी इंग्लिश लैंग्वेज से होगी, बट सीधी सी बात है आपके पास जो लोग जुड़ेंगे ना वो बहुत ज़्यादा सही हैं। अगर आपका चैनल गेन हो जाता है, सब्सक्राइबर वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आपको स्पॉन्सर वगैरह आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं लगेगी। सीधी सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज वाले उतना पैसा नहीं कमाएंगे जितना आप अर्निंग कर लोगे, ठीक है। अभी बात करते हैं, अगर इंग्लिश लैंग्वेज में आप वीडियोस वगैरह करते भी हो तो कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उसका रीज़न है बिकॉज हमारा इंग्लिश बोलने का टोन अलग है, जो यूके में या यूएसए में बंदे बोलते हैं उनका टोन बहुत ही ज़्यादा अलग है। अगर आप इंग्लिश में वीडियोस वगैरह बना भी रहे हो तो बहुत बड़ा कितने तीर नहीं मार रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं अपनी एडवाइस दे देता हूँ, उस लैंग्वेज में यार अपनी वीडियोस वगैरह शूट करना स्टार्ट करो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो। जैसे कि अभी हिंदी में थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल मैं होने लग गया हूँ, मुझे कोई थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होती। पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। अगर आप ऐसे ही हिंदी नहीं आती तो मेरे जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। हिंदी टोन बहुत ज़्यादा सही है यार, लाइक पंजाबी नालों ज़्यादा वधिया लग गया, आप भी बोलने लगे, हाँ बहुत ज़्यादा सही है, ठीक है। तो यार ये थी मेरी वीडियो, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर इन्फॉर्मेशनल थी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के दोस्तों को भेज देना। सो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, बने रहें चैनल के साथ, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, इंस्टाग्राम पर कर दो फॉलो, लिंक यार दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।